Ben Harker. Harker me? ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे पर उसे सिवाय ठोकरे और दर्द के कुछ ना मिले? मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है? और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा? क्यों मैं जान कर भी अनजान पड़ा? क्यों मैं जीत के भी हार गया और वो हार कर भी जीत गया? कौन कहता है कि तुम हार गए? कौन कहता है कि मैं जीत गया? क्या दो इंसानों के बीच में सिर्फ यही रिश्ता रह जाता है, मुकाबले का, सिर्फ दुश्मनी का? क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? क्यों खुद को मेरा दुश्मन मानते हो? कभी अंजलि तुमसे मिली, तुम अंजलि से मिले, दो दोस्त एक दूसरे के कितने करीब आए, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने सपने सजाए होंगे, और तकदीर ने एक पल में सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। जरा सा भी रहम नहीं किया तुम पर, जरा सा भी तरस नहीं खाया तुम पर। मैं कैसे तुमसे नफरत करूं? मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? तुम्हारा कसूर ही क्या है? सिर्फ यही ना कि तुमने किसी से मोहब्बत की? अरे मोहब्बत ही की है ना, प्यार ही किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया? एक बात बोलूं देव, इस दुनिया में न जाने कितने आदमी हैं, और हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला इंसान नहीं, भगवान होता है। यही तो उसका फैसला है, यही उसका खेल है, यही तकदीर है, यही संजोग है, बस संजोग है। संजोग, भगवान, मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि संजोग होता है। मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि भगवान है, क्योंकि मैं दुनिया के उन इंसानों में से था जो ये मानता था कि इंसान की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि संजोग है, भगवान है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैंने अंजलि से की है कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो रेखाएं हैं जो मेरे हाथों में नहीं है, तुम्हारे माथे पर वो लकीरें हैं जो मेरे माथे पर नहीं है। मैं तुम्हें क्या बर्बाद करूंगा? मैं तुम्हें क्या दबा करूंगा? मैं तो तुम्हें बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो जाऊंगा। राम राम देव, मेरा नाम देव है, देवता बनकर जीना चाह, इस धरती के काबिल ही नहीं रहा। तुम्हारा नाम राम है, हमेशा राम बनकर जिए, इंसानों के बीच इंसान बनकर जिए। जीत तुम्हारी कैसे नहीं हो सकती राम, कैसे नहीं हो सकती?